मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं, राजस्थान के मौसम पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, सोचिए जहां पर इतने बड़े बड़े ओले गिरे वहां की स्थिति क्या रही होगी। दरअसल यह तस्वीरें पाकिस्तान की है। दरअसल इन तस्वीरों को देखकर एक बार तो लगा ये तस्वीरें फेक हो सकती है, लेकिन जब इंटरनेट को खंगाला तो सच में पता लगा कि पाकिस्तान के हैदराबाद क्षेत्र में इतने बड़े बड़े ओले गिरे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। सोचिए इतने बड़े बड़े ओले इंसान के सिर पर या फिर किसी जानवर पर भी गिर जाते हैं तो मंजर काफी भयावह हो जाता है। वहाँ की मीडिया ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में 250 ग्राम तक के ओले गिरे। खैर यह तो पाकिस्तान की बात हो गई, अब राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी मौसम जबरदस्त कहर ढा रहा है। आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। वैसे आपको बता दूं, आज बुधवार को भी मौसम विभाग ने 26 जिलों में येलो अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि दौसा, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, उदयपुर, पाली, टोंक, जालौर, जोधपुर सहित कई जिलों में मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। इसके साथ ही राजसमंद, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक वगैरह में तो ओलावृष्टि भी होने के आसार है। और आज मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। यहाँ अचानक ही बारिश के साथ तेज रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चल सकती है। अच्छा, इससे भी बड़ी खबर यह है, मौसम विभाग के अनुसार जून के पहले सप्ताह में भी ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। आंधी और बारिश की गतिविधियां जून के पहले सप्ताह में भी जारी रह सकती है। और बड़ी बात यह है, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के सभी जगहों पर आंधी बारिश का दौर देखा जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आने वाले दिनों में भी तेज अंधड़ जारी रह सकती है। देश में पिछले दिनों 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और बारिश के साथ बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से प्रदेश में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दूं, जो पुराने मौसमी सिस्टम थे उनका असर आज 31 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस नए मौसमी तंत्र की वजह से जून के शुरुआती सप्ताह में 19 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वैसे आपको बताऊं, भरतपुर, अलवर, बारां, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, श्री गंगानगर, यहां पर धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं पर तेज बारिश भी हो सकती है। इन जिलों में 1 से लेकर 3 जून तक आंधी तूफान का दौर जारी रह सकता है, यानी कि जून के पहले सप्ताह में भी लू की थपेड़ों की जगह ठंडी हवाएं चलेगी। तो फिलहाल यही थी प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। आगे जो भी राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आती है तो उसकी जानकारी मैं अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।